वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल india.com। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का साइट मैं ओपन करके बैठा हूं और आप हमारे थंबनेल में देख लिए होंगे कि क्या आया है इसके बारे में, बीपीएससी के बारे में। जो आपका पता है कि पेपर जो हुआ था आपको कब हुआ था, ये 15 और 16 तारीख को हुआ था। उसके बारे में कुछ नोटिस है यहाँ पर देख लें। यहाँ पर आपको दिया गया है दो नोटिस है आपके। पहला नोटिस में क्या है, इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन टू आंसर ऑफ एग्जामिनेशन डेट, जो कि आपका एग्जामिनेशन 15 और 16 को हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, उसका अगर आप कोई ऑब्जेक्शन है, अगर आप देखते हैं आंसर अगर आपका और उसमें वो लोगों ने गलत आंसर बताया है, तो आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं। और कैसे करना है इसके बारे में हम इस नोटिस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस नोटिस में क्या लिखा गया है। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो इस नोटिस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है जो आपका, ओपन कर लेते हैं इसको हम लोग। सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता सैनिक यांत्रिक के पदों पर नियुक्ति हेतु सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ पर आपका दिया नोटिफिकेशन नंबर के अधीन 15 और 16 को जो आपका जनरल पेपर हुआ था कि परीक्षा पटना परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। उक्त दोनों तिथियों के आयोजित सम्मान पत्र विषय की परीक्षा के प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ABCND की प्रश्न को द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिनांक 25/9/2018 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, यानी कि आज से इन्होंने सुबह सुबह इसको अपलोड कर दिया है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों के द्वारा सूचित किया जाता है कि जिन उम्मीदवारों को उक्त विषय के किसी भी प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला के किसी भी प्रश्न के प्रशासनिक द्वारा दिए गए उत्तर पर किसी भी तरह का आपत्ति हो, तो वो इस संबंध में प्रमाणिक स्रोत, देखिए आपके पास वो स्रोत होने चाहिए, जो भी आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा और उसका सोर्स क्या है वो भी आपके पास होने चाहिए, साक्ष के साथ अपनी आपत्ति सुझाव नीचे दिए गए आपत्ति। देखो सबसे बड़ी क्या है ना कि आपको यहाँ पे भेजना है इसको भी, जो भी आपको डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं करना है इसको भेजना है, ये यही बता रहे हैं, ठीक है ना। बिहार लोक सेवा आयोग जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना को स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजेंगे कि वो दिनांक 3/10/2018 यानी कि काफ़ी कम समय है, अभी आप लोग इसको देख लें, क्योंकि आज आपका जो हो गया वो 25 है और 3 तारीख की ही इसका लास्ट डेट है 5 बजे तक, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने। लिफाफा पर परीक्षा का नाम एवं विज्ञापन संख्या अवश्य लिखें, जैसे कि जिनका विज्ञापन संख्या 2 है वो 2 लिखें, जिनका 3 है वो 3 लिखें, जिनका 4 है वो 4 लिखें, और परीक्षा किस दिन का था वो भी लिख दें, असिस्टेंट इंजीनियर का था वो भी लिख दें आप लोग। प्रशासनिक द्वारा दिए गए उत्तर पूर्णतः प्रोविजनल है, आप सभी से नियत समय तक प्राप्त आपत्ति की गहन समीक्षा विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी और गहन समीक्षोपरांत पुनः उक्त समिति द्वारा सभी प्रश्नों के अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए उस अंतिम आदर्श उत्तर के आधार पर OMR उत्तर यानी कि OMR सीट जो आपका है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। आपत्ति आपका देखिए किस तरह से किया गया है, यहाँ पे सहायक अभियंता प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या यहाँ पर लिखना है, इस पर फिर क्रम संख्या है, प्रश्न संख्या आपको देना है, प्रश्न का उत्तर, उम्मीदवारों द्वारा दिया गया सुझाव का उत्तर, आपत्ति का आधार स्रोत साक्ष्य क्या है यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। आपके यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं और मोबाइल नंबर देने हैं, तो इस तरह से आप इसको भेजने हैं। और आइए देखते हैं कि क्या है आपके उसमें, जो आपको बताया गया है कि आपका जो पेपर है उसके जो क्वेश्चन है उसके क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि जनरल पेपर आपके 3 या 4 को जो हुए थे, बुकलेट सीरीज यहाँ पर है, और यहाँ पर आंसर की है जो कि 2 को हुए थे, और ये जो है बुकलेट सीरीज अंदर में आपको मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन साइज से लिखा गया है, तो देख लेते हैं हम इसको, पहले डाउनलोड कर लिए थे, फिर से कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार और क्या है इसमें, कैसे करना आपको मैच, ओपन करते हैं हम लोग इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देख रहे हैं आंसर की भाई क्वेश्चन सेटर जो कि क्वेश्चन सेट किए थे उनके द्वारा है, और ये कैसे आप लोग वो मिलाएंगे, सबसे पहले आप इसको भी पढ़ लेंगे थोड़ा ऊपर में क्या लिखा गया है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर ऑफ सीरीज ए, क्वेश्चन नंबर ऑफ सीरीज बी और क्वेश्चन नंबर ऑफ सीरीज सी और क्वेश्चन नंबर ऑफ सीरीज डी, यानी कि जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर का ए है, आपका मान लीजिए कि सेट ए है, और तो वही क्वेश्चन जो है आपके जो बी सेट में है वो 19वां नंबर पर होगा, और वही क्वेश्चन जो है आपके सी सीरीज में है वो 27वें नंबर पर होगा, और सेम क्वेश्चन आपके डी सीरीज में जो है आपका वो 43 नंबर पे होगा, जिसका आंसर आपका इन सभी का 1 का 19, 27, 43 का डी ऑप्शन इज द राइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मैच करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का बी है, तो अब यहाँ पे दे दिया है कि डी है इसका आंसर,
तो मान लो कि ये बच्चा है, इसका संख्या मान लो कि ए है, तो इसका वो क्वेश्चन नंबर एक होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको मैच करना, आप लोग समझ गए होंगे। और इसी तरह से आपका पूरा दिया गया है। कुछ बच्चों का आपका टेलीग्राम पे आ रहा था कि सर इसमें काफ़ी गलत है, तो अभी तक मैंने इसको चेक नहीं किया है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी नहीं है, तो मैं चेक करके आप लोग खुद देख लेना एक बार। मैं भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आप इसको देख लो। और उसी तरह से आप लोग जो क्वेश्चन आपका जो एडवर्टीजमेंट नंबर जो 3 है और जो 4 है उसका भी आप लोग कर लेंगे, देख लेंगे आप लोग। और उसके बाद अगर आपको कोई आपत्ति है तो जैसे मैं बताया हूँ उस तरह से आप उनको सेंड कर सकते हैं। और टाइम बहुत कम है, 3 तारीख तक ही इसको भेजना है। तो फ्रेंड्स इतना ही, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।